नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। जो चंद मिनट पीछे जो प्रकरण था, आप लोगों ने सुना हो कि छत्तीसगढ़ में हमने वोटिंग की चीज थी, ठीक है। फिर मैं दोहरा देता हूँ उस चीज को कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगर इनकी सरकार आज मना कर दे कि आपने मुझे वोट नहीं दिया, तो आपके पास कोई आंकड़े हैं जो आप ये साबित कर दें कि हमने आपको वोट दिया है? नोटा तो ये बता रहा है कि हमने नोटा का बटन दबाया है, लेकिन अगर ये जैसे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आज आपके साथ है, आपको निभा रहा है, आपकी बात सुन रहा है, आपके मुकदमे वापस ले रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम जो निकाय का चुनाव नहीं जीत सके। ये जितनी सरकार है सर, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अगर होता तो इलाहाबाद का नाम चेंज करने में 46,000 करोड़ रुपया लग रहा है। क्या वो 46,000 करोड़ रुपया निवेशकों को नहीं दिया जा सकता था? बताइए, दिया जा सकता था। मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, साले तुम्हारे घरों में मंदिर बनाए, उसकी तो तुम पे पूजा नहीं होती है, क्या तुम मंदिर बनवाओगे? मंदिर बनने से हमारा पेट नहीं भर रहा है, हमको वो दाना चाहिए, अन्न चाहिए, इससे हमारा कुछ भला नहीं हो रहा है कि हम वो करेंगे। नाम चेंज क्यों कर रहे हैं आप? नाम चेंज करने अगर ये सब नहीं होगी तो मुद्दा कौन सा होगा? हमें तो वोट चाहिए ना, वोट चाहिए। क्या ऐसे हम आपको यूज कर सकते हैं? ये हमें कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए। और नोटबंदी, नया नोट आना, क्या है ये बेवकूफी नहीं है? उन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे, काला धन आया वापस, बल्कि हमारे यहाँ का पैसा, इंडियन पैसा बाहर चला गया। आज हमने 1 रुपए की, मतलब किसी से हम 500 रुपए उधार ले लेते, नहीं दे पाते हैं, हम पे तुरंत ही मुकदमा कायम होता है। जो अरबों खरबों लेकर चला गया, उसके ऊपर क्या हो रहा है? भारत सरकार को दिख नहीं रहा है। तुमने जिस समय कंपनियां बंद की, क्या उस समय तुमको ये नहीं पता था? निवेशक तो निवेशक, यहाँ तक कि एजेंटों का क्या होगा? एजेंट को कौन पैसा देगा? उन्होंने उस समय क्यों नहीं सोचा? एजेंट का रोजगार क्यों छीना? क्या उनका इतना अधिकार बनता है? वो होते कौन है एजेंट का पैसा छीनने वाले, एजेंट का रोजगार छीनने वाले? निवेशकों का पैसा, निवेशक एक बार को शांत हो सकता है, लेकिन एजेंट के लिए तो वही सब कुछ था, दाना पानी, उसका, उसके बच्चों का भविष्य, सब कुछ। आज एक एजेंट जो 10,000 रुपए भी कमा रहा था, आज उसका मान सम्मान इज्जत, आज वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तो क्या ये है हमारी भारत सरकार की नीति? क्यों आप बार बार भारत सरकार पे बात करते हैं? भारत सरकार अगर इतनी जागरूक होती तो शायद इतनी जल्दी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि PSEL और अन्य चीट फंड कंपनियों की जानकारी सबसे पहले पाएं। चाल चली है। मैं वीडियो चलाऊं
तुम लोग देख लो, तुम लोग ऐसी जगह बैठे हो। अपने विभाग के सामने बिठाया है, सबसे बड़ी बात तो ये अपने साथ बात की। अरे कहीं तुमको पार्क में नहीं बैठा ले, विकास भवन के सामने बैठा ले हैं, समझे? और वही लड़कियां नहाने में नहीं आती जो केंद्रीय गोदी बहनों को मंत्री पैसा देती है, और जो साफ सुथरी है, जो वास्तव में पैसे का सम्मान करती है, वो धरने में जिनको चिंता है कि मान दे भर जाए और मेरे बच्चों को रोटी मिले, वो धरने में आती है। और याद रख लेना, जो बहन बाहर का देखती है मदनपुर ब्लॉक में, टुंगला ब्लॉक में और फैजाबाद ग्रामीण में बाहर के तीनों परियोजना पे बाहर के व्यक्ति रखे हुए हैं, अगर इनको तुमने नहीं भगाया तो मेरी यूनियन में आने की जरूरत नहीं है। मेरे यहां अच्छे लोगों की पहचान है। मैंने ये ज्ञापन बनाया है और जिलाधिकारी महोदय को देना है। आप लोग बताएंगे कि ये सही बना या गलत बना है। ये ज्ञापन सुन लीजिएगा, ये लोकल ज्ञापन है, और जो देश की हड़ताल का ज्ञापन है वो हमारे भैया सुनाएंगे उसको। ये लोकल आप लोगों की शिकायत का ज्ञापन है। जिलाधिकारी महोदय लंबी पड़ी कार्यकर्तियों की शिकायत है, निवेदन करना है कि पिछली बार जिले में समस्त आंगनबाड़ी मैंने मुख्य विकास अधिकारी महोदय को लिखित पर शिकायत पत्र दिया था, जिसमें विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई माह से नहीं आया आपका मानदेय, सही है? बोल पे तो जाओ, हाँ सही है भैया, अब आज रोटी खा के लाए, इतनी इतनी खा के आए। लिखित में सीडीपीओ ग्रामीण की भ्रष्टाचार में शिकायत की गई, कार्रवाई नहीं हुई, सही है? जोर से आवाज आनी चाहिए। परियोजना पर भारी व्यक्तियों को पुट्टाहार की दलाली कराई जाती है, रखा हुआ है, ये भी सही है? जिले में 10% यानी कि 10% केंद्र बंद रहते हैं, 200 से 250 तक केंद्र बंद रहते हैं परमानेंट, ये भी सही है? हाँ, जो पैसे मैडमों को देती है वो केंद्र बंद रखती है, कार्यों पे विभाग चल रहा है, कार्यों पे मैडम को नहीं सुना गया, मैडम गाड़ी लेके चली गई। जिले में बसों से पुराना स्टॉक पड़ा हुआ 15 साल से, कोई कह देती है मेरे पति विकलांग है, तो कोई कह देती है मेरे पति है नहीं, कोई कह देती है कि मेरे घर में बुजुर्ग है, ट्रांसफर नहीं हो रहा, 15 साल से पुराना स्टाफ छपा हुआ, ये बात सही है? ये वसूली करती है। टूलना सुपरवाइजर सुनीता ने 5 महीने का मानदेय का 5 कार्यकर्तियों का काट लिया है, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं है, ये भी शिकायत सही है? कई कार्यकर्त्रियां जिले से भाग रहती है अपने मियां जी के साथ और केंद्र नहीं खुलते हैं, पर मई मंथली पैसा जाता है, ये भी सही है? हेलो, हाँ पुट्टा उठवाने आती है, 1 महीने में मम्मी से मिल गई, पुट्टा उठवा खेल हो गया, सही बात है? शीतकालीन अवकाश किया जाए, यानी कि छुट्टियों, ये सर्दी में
तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।